गाइस आज हम बात करने वाले हैं 6 थिंग्स यू शुड स्टॉप वेयरिंग टुडे, मतलब कुछ ऐसी 6 चीजें जो कि ना आपको आज से स्टॉप कर देनी चाहिए पहनना उसे। और मतलब ये सब जो चीजें ना वो पहले सही लगती थी, मतलब पहले हम बच्चे थे तो कुछ भी पहन लेते थे, बट अगर आप जेंटलमैन बनना चाहते हो और अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है अगर आप अपर लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको आज से जो चीजें ना पहननी स्टॉप कर देनी चाहिए। और अगर आप ये सब चीजें नहीं पहनते तो डेट मीन्स कि यार आप जेंटलमैन हो। आप मुझको कमेंट करके जो बताना कि आप कौन सी चीजें पहनते थे और कौन सी नहीं पहनते थे। और बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा नया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी जो मोटिवेशनल वीडियोस है ना उस पर आने वाली है और बहुत ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है, आपकी काफी हेल्प करेगी, तड़कती बड़कती वीडियोस उस पर होने वाली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जल्दी जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लेना और मजा आ जाएगा फिर। तो अगर आप इस चैनल पे भी नए हो और उसको पहली बार देख रहे हो तो अभी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी जल्दी 10K कंप्लीट करा दो, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो अभी हम बिना किसी तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास वो है फेक ऑफ वाइट बेल्ट। अब यार इसमें बहुत सारे जो बंदे ना वो गलती क्या करते हैं कि मतलब वो फेक वाली जो ऑफ वाइट की बेल्ट होती है ना, कैनवास बेल्ट जो होती है उसमें बहुत ज्यादा प्रिंट वगैरह होते हैं, वो अगर आप पहनते तो बिल्कुल मत पहनो यार। या फिर जो टिकटॉक वगैरह आजकल ट्रेंड पे चल रही है ना उस पर टिकटॉक वगैरह लिखा होता है, तो भाई ये सब अगर पहनते तो बिल्कुल मत पहनो। ये सब चीजें आई थिंक पहले से ही लगती थी बट आजकल ना बिल्कुल छपरी वाली कैटेगरी में जा चुकी है, छपरियों ने इनको अपना ट्रेंड बना लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और प्लस मैं सच बात बताऊं ना, मतलब जो ऑफ वाइट वाली बेल्ट होती है ना वो पहले पहनता था, अब मेरी मत मारी थी बहन, जो पता नहीं क्या मुझको नशा चढ़ा था। मतलब ये सब जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ बट अब मैं सुधर चुका हूँ, मैं ऐसी गलती अब बिल्कुल भी नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस भी जो गलती है ना वो करे। तो यार ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और ये सब जो ऑफ वाइट बेल्ट या फिर टिकटॉक वाली जो बेल्ट वगैरह होती है ना वो बिल्कुल भी मत पहनना। अब हम बात करेंगे कि इसकी जगह पर आपको पहनना क्या है। तो अगर आप कैनवास बेल्ट वगैरह पहनना चाहो तो आप नॉर्मल जो कैनवास बेल्ट होती है ना वो आप पहन सकते हो, ब्लैक में ले सकते हो या फिर व्हाइट में ले सकते हो या फिर और भी बहुत सारे कलर होते हैं, जो भी आप चाहो तो ले सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा ब्लैक लो या फिर व्हाइट लो, ये मैक्सिमम आउटफिट पे काफी मैच करती है और काफी अच्छी लगती है। नंबर 2 नंबर से वो है स्टिकर एंड ओवर रिप जीन्स। अब बहुत से जो बनते हैं ना वो यार गलती क्या करते हैं कि स्टिकर वाली जीन्स वगैरह पहनते हैं, मतलब व्हाइट कलर की पैंट होती है उसमें बहुत सारे मतलब स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, या फिर वो जो जीन्स होती है ना बहुत ज्यादा डैमेज होती है, बहुत ज्यादा रिप्ड होती है, उसमें आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही होती है। अगर कोई भी ऐसी जीन्स वगैरह पहनते हो तो भाई बिल्कुल भी मत पहनो, तौबा कर लो बिल्कुल भी, ये सब जो चीज़ है वो सीधा आपको छपरी बना देगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। नॉर्मल जो जीन्स होती है ना जो नॉर्मल रिप्ड होती है वो आप पहन सकते हो, या फिर जिस पे स्टिकर वगैरह लगा होता है ना वो वाली जो जीन्स है ना भैया बिल्कुल भी मत पहनना, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल भी। नंबर 3 वैसे वो है रबर हेयर बैंड नहीं यार, रबर हैंड बैंड। अब यार ये जो भी गलती है ना वो हम पहले बहुत ज्यादा करते थे, मतलब रबड़ के जो हैंड बैंड आते हैं ना अलग अलग ब्रांड से, वो जब मोटे मोटे जो रबड़ बैंड होते हैं ना वो हम पहनते थे उस टाइम पे, तो भाई वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना और मतलब काफी छपरी चीजें लगती हैं ये सब। अगर आप रबर बैंड वगैरह पहनते हो मतलब हाथों का तो बिल्कुल मत पहनो। इसके जब आप नॉर्मल एक जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं या फिर जो कड़ा वगैरह होते हैं ना वो पहन सकते हो, वो काफी सही लगेगा। नंबर 4 हमारे पास वो है बिग वॉच। अब यार आज के टाइम पे भी ना बहुत सारे जो लड़कियां ना वो बड़ी बड़ी वॉच पहनते हैं, मतलब जी सॉक्स वगैरह जो होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है, भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब अगर आप स्किन नहीं बनते हो ना तो फिर तो आपको ये सब जो चीजें ना बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, नहीं तो फिर आप और भी काफी स्किन नहीं लगने वाले हो। बट अगर आप अभी भी मतलब स्किन नहीं हो बट फिर भी आप ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जो घड़ी वगैरह वो पहनते हो तो बेसिकली वो घड़ी नहीं घड़ा होती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इतनी बड़ी बड़ी जो वॉचेस वगैरह ना आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है, आप नॉर्मल वगैरह पहन सकते हो, नॉर्मल चैन वॉचेस पहन सकते हो या फिर जो ऐसे लेदर वॉचेस होती है ना वो आप पहन सकते हो, ये दिखने में काफी अच्छी लगती है। और ये सब जो बचकानी हरकतें वगैरह लगती है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी वॉचेस वगैरह पहनते हो तो ये आज या पहनना बंद कर दो, आप काफी चाइल्डिश लगते हो यार, काफी बच्चे लगते हो आप, जेंटलमैन नहीं लगते। नंबर 5 हमारे पास है वो है स्पोर्ट्स शूज एवरीवेयर। अब यार मतलब ये गलती मैं भी पहले बहुत ज्यादा करता था कि मतलब स्पोर्ट्स के एक शूज होते थे सिर्फ मेरे पास और वही जो शूज है ना मैं हर जगह पहनता था, मतलब फॉर्मल पे भी वही, कैजुअल पे भी वही, स्कूल जाओ तब भी वही पहनता था, मतलब कहीं पे भी जाओ ना तो हर जगह बस स्पोर्ट्स के शूज पहनता था। भाई अगर मतलब आज भी आप ये गलती करते हो ना तो बिल्कुल मत करो, मैंने अपने आप को सुधारा है तो आप भी अपने आप को सुधारो, क्योंकि यार जो हमारे स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना वो सिर्फ रनिंग के लिए और खेल कूद के लिए ज्यादा सही लगते हैं, बट आप उसको ऐसे कहीं नॉर्मल पहन के नहीं जा सकते। और मतलब कभी कभार पहन सकते हो, जैसे नॉर्मल कैजुअल पहनते हो ना उसको कैजुअल आउटफिट पे उसको पहन सकते हो, बट आप उसको फॉर्मल पे भी वेयर कर रहे हो तो भाई इससे ज्यादा बड़ी बकचोदी कोई नहीं हो सकती है। अगर आप कैजुअल वगैरह वेयर कर रहे हो तो उसकी जगह पर आप मतलब स्नीकर वगैरह वेयर कर सकते हो, बहुत सारे स्नीकर्स वगैरह आ चुके हैं, या फिर अगर आप चाहो फॉर्मल के लिए वेयर करना तो फॉर्मल में आप फॉर्मल जो शूज होते हैं ना वो आप वेयर कर सकते हो, या फिर लोफर्स वगैरह वेयर कर सकते हो मतलब फॉर्मल्स के लिए अगर आप सूट वगैरह पहन रहे हो तो ये सब आपको अलग अलग जो शूज है ना अलग अलग ड्रेस पे पहनने होते हैं और जो कि आपके लुक को काफी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, बट अगर आप हर जगह एक ही शूज पहन के जा रहे हो स्पोर्ट्स के भाई बिल्कुल मत पहनना। नंबर 6 एंड लास्ट हमारे पास वो है सैंडल्स। अब यार आई नो कि मुझको आज भी वो दिन याद है कि मतलब मैं पापा मम्मी से लड़के ना मैं कुछ इस टाइप वाली जो सैंडल्स है ना वो लेता था और मैं इसके लिए ना काफी रो देता था, मतलब मुझको यार जो सैंडल है वो चाहिए, एंड मैं यूज सोचता कि यार मैं काफी हैंडसम लूंगा और आई थिंक यार मैं उस टाइम पे हैंडसम पता नहीं लगता था या नहीं लगता था, बट पता नहीं मतलब उस टाइम पे जो लड़के ना बहुत ऐसे पहनते थे, बट अगर आज भी आप ये वाली जो सैंडल्स है वो पहनते तो भाई इसका जमाना जा चुका है, ये मतलब खत्म हो चुकी है भाई मार्केट से, अगर आप भी ये पहनते तो बिल्कुल भी मत पहनो। इसके बाद फ्लिप फ्लॉप आ चुकी है और कोल्हापुरी चप्पल वगैरह आ चुकी है जो कि आजकल काफी ट्रेंड पे
चल रही है वो आप पहन सकते हो, बट ये वाली सैंडल्स अगर आप पहनते हो तो बिल्कुल मत पहनो, ये आपके लुक को 90s का बनाने वाली है और मतलब छोटे बच्चे दिखने वाले हो, तो बिल्कुल मत पहनना ये सब चीजें आपके पास से। तो आई होप कि गाइस आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो से नई सीखने मिली होगी और वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। अगर लगी है वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने मिला तो यार अभी इस वीडियो को लाइक करना, और आप इस चैनल पर नए हो मुझको पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन उस पर टैप करना और यार इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो बस अपनी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।